हेलो गाइस, कैसे हो? तो गाइस, आज के इस वीडियो में ना मैं आपको बताऊंगा, अगर आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर रहे हैं तो आपसे कुछ इस तरह का लॉक पूछा जा रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करते हैं तो यहाँ पे पैटर्न लॉक पूछा जा सकता है या फिर फिंगरप्रिंट से वेरीफाई करने के लिए पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे ना कुछ लॉक मांग रहा है, तो यहाँ पे ना मेरा फिंगरप्रिंट ऐड है, इस वजह से फिंगरप्रिंट मांग रहा है। अगर मैं यहाँ से फिंगरप्रिंट ऐड कर दूँ तो लॉक मांगेगा। तो यहाँ पे ना मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। तो हम जाएंगे पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में, फिंगरप्रिंट पे जाएंगे और हम यहाँ पे ना भी लॉक डाल देंगे। और जैसे हम यहाँ पे जो है फिंगरप्रिंट है, यहाँ से अगर हम रिमूव कर देते हैं तो यहाँ पे हमसे ना लॉक जो है वो मांगा जाएगा। तो यहाँ से मैंने हटा दिया है। तो अगर अब मैं ना स्विच ऑफ करने की कोशिश करूँगा तो अभी ना मेरा फिंगरप्रिंट ऐड नहीं है। तो अब मैं अगर स्विच ऑफ करूँगा तो देख सकते हैं यहाँ पे स्विच ऑफ, तो देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन लॉक जो है मांगा जा रहा है। तो गाइस, अगर आपको भी कुछ इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है जब आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करते हैं, जो है फिंगरप्रिंट मांग रहा है या फिर कुछ इस तरह का मांग रहा है, तो गाइस आप इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हैं, कैसे आप इसे हटा सकते हैं? तो देख सकते हैं कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। मतलब आपको लॉक तो पता है, आप इसे स्विच ऑफ कर रहे हैं, पर ये ना बार बार प्रॉब्लम आती है जब भी आप स्विच ऑफ करते हैं फ़ोन को, तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो कि अच्छा नहीं लगता है, बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इसे बंद कर सकते हैं। तो अभी ना ये लॉक मांग रहा है, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, तो आपको पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पर क्लिक करना है। सिस्टम सिक्योरिटी पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप सिस्टम सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रिक्वायर पासवर्ड टू पावर ऑफ, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको क्या करना है, आपको इसे ऑफ कर देना है और यहाँ पे आपका जो भी लॉक हो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। ये आपको करना है, बस आपका काम हो चुका है। इसके बाद आपको बैक चले आना है, बैक आना है, बैक आना है, उसके बाद आपको अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करना है। तो अगर हम यहाँ से स्विच ऑफ करेंगे अब, तो देख सकते हैं अब हमसे ना कोई भी लॉक पूछा नहीं गया है। तो गाइस देख सकते हैं, ऐसे आप अपने पावर ऑफ लॉक को हटा सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो देख सकते हैं मेरा फ़ोन जो है स्विच ऑफ हो चुका है और मेरे पीसी की बैकग्राउंड में जो लाइट लगी थी वो भी हट चुकी है। तो देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसे आप अपने फ़ोन को जो है स्विच ऑफ कर सकते हैं और उस लॉक को आप हटा सकते हैं। अगर आपका वो लॉक आ रहा है जब भी आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करते हैं तो आप ऐसे हटा सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मैं अपने फ़ोन को फिर से ऑन कर लेता हूँ, तो आपका भी काम हो चुका होगा, आपको पता चल चुका होगा कि कैसे आपको इस सेटिंग को करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।